नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो किसान साथियों, जैसे कि आप लोगों ने देख रहा है, हमारे पास एक फोर व्हील पावर वीडर है जो कि 4x4 में, मतलब 4x4 का मतलब होता है इसका दोनों टायर घूमेगा, ये भी घूमेगा पीछे का भी घूमेगा। किसान साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं 12 HP मशीन देखा आप लोगों ने, 10 HP मशीन देखा, 9 HP, क्या 9 HP, क्या 10 HP, क्या 12 HP, डायरेक्ट 18 HP में लेकर के आए हैं 4x4 पावर वीडर। मान लीजिए कहीं भी आप कीचड़ मिट्टी में चला रहे हो, कोई हार्ड मिट्टी में चला रहा हो, तो ये जो पावर वीडर आपका रुकने वाला में से नहीं है। किसान साथियों, बहुत ही धमाल होने वाला है, क्योंकि आज पहली बार सिर्फ किसान मित्रों ने आपको दिखा रहा है 4x4 पावर वीडर। मार्केट में तहलका मचा के रखेगा किसान साथियों। इसमें जो आप लोगों को फीचर मिलने वाला है वो कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो जो काम होगा वो कोई पावर वीडर में नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा ट्रैक्टर में क्लच किया हुआ रहता है, ये पैर के नीचे ये क्लच रहेगा, ठीक है। ये क्लच के माध्यम से ही आपका सारा गियर 1 2 3 4 5 6 गियर, इसमें टोटल 6 गियर दिया हुआ है। तो किसान साथियों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो फोर व्हील है इसको तैयार करने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग चुका है, सिर्फ आप ही लोगों के लिए ही कर रहे हैं किसान साथियों। जैसे कि किसान साथियों, इसमें क्या क्या फ्यूचर लेकर के आए हैं, सबसे पहले मैं इधर बात करूंगा हाइड्रोलिक सिस्टम। टोटल फुल्ली ऑटोमेटिक ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये देखिए काफी बड़ा हाइड्रोलिक दे रखा है। ये जो आगे का चीज आप देख रहे हैं, इसमें आपका रिपर सेट हो जाएगा, मतलब हाइड्रोलिक के सिस्टम से ये रिपर ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। आपको जिस हिसाब से जिस फसल का कटाई करना है उस हिसाब से, मान लीजिए अगर आप नीचे की ओर करते हैं तो 2 से 4 इंच से कटाई करके ये ले करके जाएगा, मतलब कटाई भी आपका बैठ के होने वाला है किसान साथियों। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा इधर जो हाइड्रोलिक दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा आपको ऊपर और नीचे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो किसान साथियों, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोलिक सिस्टम से नीचे उतरेगा, मतलब जिसमें आप जुताई करेंगे जो रोटरी है, ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम से ही ये ऊपर भी उठेगा। देखिए मैं अभी नीचे कर रहा हूँ, ये देखिए ये पूरा नीचे हो गया। आपको किस हिसाब से जुताई करना है उस हिसाब से, अभी इसको ऊपर करना है तो यहाँ देखिए लीवर, जैसे जेसीबी में लीवर दिया हुआ रहता है उस टाइप से लीवर दिया हुआ है। ये देखिए इसको दबाइएगा, वो देखिए ऊपर उड़ रहा, ये ऊपर उड़ गया। अभी इसमें आप मतलब ले करके जा सकते हो जो रोड में चलाना है। आपको जुताई करना है तो इसको इधर कर देना है, ये नीचे चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक है, पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम में इसको बनाया गया है। रहा सवाल इसके साथ आप लोग और क्या क्या काम कर सकते हो, तो मैं किसान साथियों आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये 4x4 मतलब 4x4 में है। मान लीजिए इसको आप कहीं पर भी घुसा दो, ठीक है, कोई मतलब किचड़ में घुसा दो या फिर कोई भी जगह में, ट्रैक्टर जैसे 4x4 होता है, 4x4 का मतलब है चारों टायर वो घूमेगा, बराबर घूमेगा। तो इसमें जो गियर दिया रखा है, अगर आपको चलाना है 2x2 में, मतलब दो चक्का में ही चलाना है, तो आपको अलग से गियर लगाना पड़ेगा, सिर्फ आपको 2x2 में चलेगा। अगर पीछे का टायर आपको घुमाना है तो पीछे का टायर से ही घूमेगा, अगर आगे का टायर आपको घुमाना है तो आगे का टायर से ही आपका घूमेगा। गियर का सिस्टम दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, आगे का अलग दिया हुआ है, पीछे का अलग दिया हुआ है। किसान साथियों, ये जो मशीन है काफी जबरदस्त होने वाला है, और ये पूरे 18 HP में कवर करता है। काफी हेवी आप देख सकते हैं इंजन दे रखा है, क्योंकि ये 4x4 के होने के नाते अगर बड़ा इंजन नहीं देंगे तो खींचने का सक्षम नहीं रहेगा। और जिसमें आप बैठ करके आराम से जुताई का काम कर सकते हो, साथ में जितना भी आपका ट्रैक्टर में काम करता है उससे भी कई गुना ज्यादा इसमें आप काम इसमें ले सकते हो। उसके बाद में किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ जो रिपर लगेगा, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ से आपका रिपर यहाँ पर सेट होगा और ये आपका घुमाएगा, और ये रिपर का फंक्शन दे रखा है। मान लीजिए अगर रिपर चलाना है तो आपको इधर करना पड़ेगा, अगर आपको न्यूट्रल में रखना है तो बीच में करना पड़ेगा, मतलब ये आपका रिपर का सिस्टम दे रखा है किसान साथियों। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, ये जो स्टीयरिंग है ये पूरा पावर स्टीयरिंग है, ये खड़ा खड़ा आप कहीं पर भी इसको देखिए, एक हाथ से मैं घुमा रहा हूँ, खड़ा खड़ा कहीं पर भी आप इसको घुमा सकते हैं, मतलब फुल पावर स्टीयरिंग इसमें दे रखा है, आपको कहीं पर भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्लच का सिस्टम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ,
आपको क्लच, ये देखिए, मतलब जिस जैसे बड़ा ट्रैक्टर में क्लच दिया हुआ रहता है, ये पैर के नीचे ये क्लच रहेगा, ठीक है। ये क्लच के माध्यम से ही आपका सारा गियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गियर, इसमें टोटल 6 गियर दिया हुआ है। 6 गियर में सबका अलग अलग काम होता है। किसी में रोटावेटर घुमाने का होता है और किसी में रोटावेटर को उल्टा तरफ से घुमाने का होता है। तो ये सारा सिस्टम फुल दिया हुआ है। किसान साथियों, अभी जैसे मौसम है, पूरा खेत ऐसे प्लॉट मैंने देखा, कई जगह खाली नहीं पड़ा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो इसका जुताई के साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उसके साथ ये देखिए 4 लाइट के साथ आएगा, ये देखिए 4 लाइट के साथ आएगा। दूसरी बात है सेल्फ सिस्टम, इसमें आपको रस्सी उससे खींचने का कोई दरकार नहीं है, एक सेल्फ मारेगा आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है इसमें, ये देखिए मैं लाइट जला के दिखा रहा हूँ, ये देखिए 4-4 लाइट इसमें जलेगा, ठीक है। तो ये लाइट का सुविधा है। दूसरी बात है ब्लिंकर भी आपका जलेगा, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस टाइप से, ये देखिए इस टाइप से ब्लिंकर आपका जलेगा। मतलब आपको जिस साइड घुमाना है उस साइड यहाँ पर इंडिकेटर है, इंडिकेटर है, ठीक है, ये इंडिकेटर जलेगा। मतलब पूरा एक मान के चलो ट्रैक्टर का जितना फ्यूचर है सारा इसमें दे रखा है। आप ट्रैक्टर का छोड़ी दो, ट्रैक्टर से ज्यादा इसमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद किसान साथियों मैं और एक इसका फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। इसमें जो हम लोगों ने टायर दे रखा है, ये जो पीछे का टायर है, ये काफी बड़ा साइज का टायर दिया हुआ, काहे कि इसका मेन काम होगा और इसलिए हम लोगों ने काफी बड़ा टायर दे रखा है। आगे का जो टायर देख रहे हैं ये भी 4x8 का ही टायर है, बट उससे हेवी क्वालिटी का टायर दिया हुआ है। उसके बाद किसान साथियों ये कहीं पर भी अब घुसा करके गन्ने में जुताई करना है, इसका रोटावेटर खुल जाएगा। रोटावेटर का जो सिस्टम दे रखा है, ये देखिए ये भी पार्ट बाय पार्ट आपका खुल जाएगा। यहाँ से इसको निकाल सकते हो, यहाँ से इसको निकाल सकते हो। मान लीजिए आपको छोटा से छोटा जगह में चलाना है तो रोटावेटर आपको मतलब साइड कर सकते हो। तो ये बहुत ही नया एडवांस फीचर के साथ लेकर के आए हैं। पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोलिक का पूरा सिस्टम दे रखा है। काफी जबरदस्त लगा, चला के भी काफी मजा आने वाला है। हाँ, अगर किसान साथियों अगर आप लोग सवाल करेंगे कि रोड में ये कितने का स्पीड में चलेगा, तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, जैसे मैंने पूरा फुल एक्सेलेटर में चला के तो नहीं देखा अभी तक, मैंने मिनिमम अंदाजे किया कम से कम 35 से 40 का स्पीड में ये आराम से चलने वाला है टॉप गियर में। तो किसान साथियों बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। आने वाला टाइम में और भी इसमें सुधार करके लाएंगे और भी नया एडवांस इसमें डालने का कोशिश करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए किसान मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मशीन जुताई करेगा उसका सारा सिस्टम या फिर कटाई करेगा उसका सारा सिस्टम वीडियो में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। मिलेंगे किसान साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।